दुनिया से तुझे चुरा लो, थोड़ा इंतजार, इतना बेकरार हूं मैं। हेलो दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी आपने जो स्क्रीन पर न्यू स्टेटस वीडियो देखा है उसी तरीके का स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं दोस्तों अपने फोटो के साथ या किसी और के फोटो के साथ, तो दोस्तों आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मैं बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप अपने फोटो के साथ इस तरीके का स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। दोस्तों मैं एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ, जो भी मटेरियल मैं इस स्टेटस वीडियो को बनाने के लिए यूज करने वाला हूँ आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आपको सारे मटेरियल को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर के बाद दोस्तों आपको अपने फोन में आ जाना है और अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे दोस्तों आपको 9x60 वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना और नीचे क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको इमेज एसेट वाले पे चले जाना है। यहाँ से दोस्तों आपको व्हाइट कलर का बैकग्राउंड इमेज सेट करना है। इसके बाद दोस्तों आप जितने भी सेकेंड का अपना स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं उतने सेकेंड आपको अपने बैकग्राउंड इमेज का ड्यूरेशन रख लेना है। 10 सेकेंड, 15 सेकेंड या 25-30 जितना भी आपको अपना स्टेटस वीडियो बनाना है उतना आपको अपने बैकग्राउंड इमेज का ड्यूरेशन रख लेना है। यहाँ पर दोस्तों मैं 15 सेकेंड का स्टेटस वीडियो आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने 15 सेकंड सेट कर लिया हुआ। यहाँ पे आप रेड कलर बॉक्स में देख सकते हैं सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाना है। स्टार्टिंग में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से मीडिया वाले ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ से दोस्तों आपको अपना एक फोटो सेलेक्ट करना है जिस भी फोटो से आप अपना स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं। फोटो सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले शिफ्ट स्क्रीन पे क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आपको फुल टू स्क्रीन कर देना है। फुल टू स्क्रीन करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से वीडियो फ्रेम में क्लिक करके अच्छे से अपने फोटो को जो है राइट या लेफ्ट करके अच्छे से इस वीडियो वाले फ्रेम में अपने फोटो को एकदम बीच में सेंटर में सेट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से जो है अपने फोटो का ड्यूरेशन बढ़ा के अपने वीडियो के लास्ट तक कर देना है जितना आप स्टेटस वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाना है। स्टार्टिंग में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ से दोस्तों आपको बेसिक इफेक्ट पे आना है और यहाँ से ब्लर वाले इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से एक बार बैक हो जाना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का सेटिंग खुल के आ जाएगा और यहाँ पर आपको दोस्तों सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से ब्लर वाले को जो है बढ़ा के अच्छे से 5% पे कर लेना है, 5 पे कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से कुछ इस तरीके से इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से राइट साइड कॉर्नर में रखना है और यहाँ से खींच के अच्छे से पूरे फोटो पे अप्लाई कर देना है ब्लर वाले ऑप्शन को, इफेक्ट वाले ऑप्शन को। अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे तो आपको ब्लर वाला इफेक्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। इसका ड्यूरेशन बढ़ा के दोस्तों आपको वीडियो के लास्ट तक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाना है। स्टार्टिंग में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको मीडिया वाले ऑप्शन पर चले जाना है। यहाँ से दोस्तों आपको मिल जाएगा ग्रीन स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन वाला वीडियो, उस वीडियो को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले इसके ऑडियो को म्यूट करना पड़ेगा, तो ऑडियो को म्यूट करने के लिए आपको यहाँ पे मिक्सर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से इस पर एक बार क्लिक कर देना है, जो आपका ऑडियो है टेम्पलेट वीडियो को वह म्यूट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा सिल्प स्क्रीन वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से इसको फुल टू स्क्रीन कर देना है। फुल टू स्क्रीन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा क्रोमा की वाला ऑप्शन, क्रोमा की वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से इसे एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे की कलर पे आ जाना है और यहाँ से दोस्तों आपको ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेना है। ब्लू कलर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से जो परसेंटेज है आपको 40% कर देना है। अच्छे से 40% करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद दोस्तों आपको वीडियो को लास्ट में आ जाना है और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिखेंगे उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे कैची वाले ऑप्शन पे आना है, ट्रिम राइट वाले पे, और यहाँ से आपको ट्रिम राइट करके जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको इस वीडियो को सेव करना पड़ेगा। वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ पे आपको एयर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे दोस्तों आपको HD साइज सेलेक्ट करना है और फ्रेम रेट 30 रखना है और सेव एज वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को अपने फ़ोन में सेव कर लेना है। दोस्तों वीडियो सेव हो जाने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाना है। स्टार्टिंग में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ब्लर इफेक्ट वाले इमेज को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे डिलीट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इसे डिलीट कर देना है और यहाँ से दोस्तों आपको ग्रीन स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन वाले वीडियो को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे डिलीट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इसे भी डिलीट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फोटो पे अपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दोस्तों शिफ्ट स्क्रीन वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसे ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से मीडिया वाले ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ से दोस्तों अभी अभी आपने जो वीडियो अपने फ़ोन में सेव किया हुआ था उस वीडियो को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है।
सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले इसके सेटिंग वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ से दोस्तों आपको शिफ्ट स्क्रीन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसको फुल टू स्क्रीन कर देना है। फुल टू स्क्रीन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा क्रोमा की वाला ऑप्शन। क्रोमा की वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से इसे अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे की कलर पे आना है और यहाँ से आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट करके दोस्तों यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से परसेंटेज को बढ़ा के 40% पे अच्छे से सेट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपने फोटो पर दोबारा क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों फोटो को कुछ तरीके से वाइड वाले फ्रेम में जो दिख रहा है फोटो को स्लाइड कर देंगे तो आपको वाइड वाले फ्रेम में जो अपने फोटो को सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे अच्छे से आपको एरो निशान से खींच के अपने फोटो को यहाँ पे सेट कर देना है। जैसे मैं सेट कर रहा हूँ आपको भी अपने फोटो को सेट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करना है और यहाँ से मीडिया वाले ऑप्शन पर चले जाना है। यहाँ से दोस्तों आपको मिल जाएगा ब्लैक स्क्रीन लिरिक्स वीडियो, लिरिक्स वाले वीडियो को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से रख लेना है और इसका साइज एरो निशान से खींच के अच्छे से बढ़ा लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको इसके सेटिंग वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ से दोस्तों आपको मिलेगा ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन। ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्क्रीन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद दोस्तों आपको वीडियो को लास्ट में देख लेना है, कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं बचा हुआ था दोस्तों, इस वीडियो में कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं बचा हुआ है। फाइनली दोस्तों यह वीडियो बनकर तैयार हो चुका है। मैं एक बार व्यू दिखाना चाहता हूं, जो आपने स्टार्टिंग में वीडियो दिखा था सेम उसी तरीके का वीडियो मैंने बनाकर दिखा दिया। दोस्तों आप भी इस तरीके का वीडियो बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों वीडियो बना लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एरो वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको HD साइज सेलेक्ट करना है और फ्रेम रेट 30 रखना है और सेव एस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को अपने फ़ोन में सेव कर लेना है।